अरे भाई ये 20 है, ये 50 है, ये जेट है। और अब ये फ्लेम लगने के बाद देखो कितना डार्क हो जाएगा, बाहर से बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। Hey guys, it's me, Mangesh Sindhi. Welcome to a new episode. मैं भी रेडी हो गया, मुझे गाड़ी की पासिंग करने जाना है, लेकिन मुझे भूख लगी। मैं सुबह तरीबा खा के आया था, जिसका मैंने अलग से ब्लॉग बनाया हूँ, तो मैं अभी निकलने के पहले सोचा कुछ खा लूँ, क्योंकि वहाँ कितना समय को कितना नहीं होगा मुझे नहीं पता। मुझे वहाँ पे शायद 3-4 भी बच सकते हैं, मुझे शाम को भी आना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार भीड़ भी हो जाती है बहुत सारी, और बहुत दिनों से RTO बंद है, तो उस वजह से मेरे ख्याल से भीड़ ही होगी। मैंने दाल चावल ले लिया, अभी मैं दाल चावल खाऊंगा, फिर अपन घर से निकलते हैं और RTO पहुंचते हैं। ये दाल नैना ने बनाई है, इतनी टेस्टी बनाई है दाल, बिल्कुल एकदम यार होटल में इतनी टेस्टी दाल नहीं बनी है, मैंने कभी नहीं खाई, मैंने होटल में इतनी टेस्टी दाल नहीं खाई मैंने कभी, लेकिन इतनी टेस्टी दाल बनाई है नैना ने, मैं बस बहुत खा रहा हूँ। गाइज मेरा खाना खा के हो गया और मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था, मुझे वहाँ पे फिर भी 11 बजे निकल जाना चाहिए था घर से, और 11:30 बजे तक मैं पहुँच गया रहता, लेकिन 11:30 तो घर पे ही बच गए, मुझे आप पहुँचते 12 बज जाएंगे, मतलब लेट हो जाएगा, क्या पता फिर लेट हो गया तो फिर और भीड़ लग जाएगी, तो मैं निकल गया घर से अभी, तो अभी वहाँ पे पहुँचते दिन आपसे बात करता हूँ मैं। लो जाने के बोले और एक नई मुसीबत, ये जो फ्लेम निकाली तो ये कैसे, ये थोड़ा चिपचिपा हो गया है, कांच ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो फिर वो अटक रहा है वहाँ, बहुत प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं अभी वो सुमित गया है तारपिन लाने के लिए, तो उसको कपड़े भी लगा के इस पे पोंछ लेंगे तो पूरा क्लीन हो जाता अच्छे से, वो तो लेकर आएगा लेके। छोटा वाला नहीं है एकदम। कितना बड़ा है? आधा लीटर वाला। कितने का है? अब आधा लीटर वाला। आगे से ले लेंगे, आगे से ले लेंगे। चलो अभी एक जगह रुक गए, हमें तारपिन मिल गया, तो अभी वो क्लीन कर रहा है। वैसे भी हमें फिल्म लगाने जाना ही था, तो वहाँ पे हो गया रहता, लेकिन पहले पासिंग के लिए जाना है, तो वहाँ पे तो उतने देर के लिए तो कम से कम वो स्मूथ चलना चाहिए, तो हमने सोचा कि अभी कर लेते उसको पूरा, लेकिन उसके बाद फिल्म लगाने चलते हैं। गाइस मैं RTO पहुँच गया और करीब मैं यहाँ पे 10 मिनट रुका, और फिर मेरे को अभी वो RTO वाले जो पासिंग करके दे रहे हैं वो अभी भैया मिले, तो उन्होंने बोली गाड़ी वाला लगाने के लिए, तो मैं भी गाड़ी वाला लगा रहा हूँ। गाड़ी पॉइंट पर लग गई है, तो अभी वो चेक करेंगे। गाइस हम पासिंग करके तो अभी वहाँ से निकल गए और गाड़ी हो गई है पास, और अभी हम ब्लैक फिल्म लगाने जा रहे हैं। मैं जेड ब्लैक तो नहीं लगाता वैसे, लेकिन देखते हैं अभी कितने परसेंटेज लगती है और कितनी लीगल है कितनी इलीगल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब मैं बस पहुँच ही गया और गाड़ी डाल देते अंदर वहाँ पे और लगाते हैं। कल चल के आपको दिक्कत नहीं हुआ, हमारे कस्टमर को दिक्कत नहीं हुई, किसी ने कुछ बोला तो हमारा कस्टमर खराब है। कितने परसेंट अभी? 35 है, 20 है, 50 है, 70 कौन सा वाला? 70 ये वाला चल जाएगा क्या? चलता तो कोई भी नहीं है। चलता कोई भी नहीं है, लेकिन लाइट चल जाती है, अलाउड बोल के अगर हम बेचते हैं तो गलत बात है, अलाउड नहीं रहती। ब्लू रहता है अभी। ये देखो ये साइड के मिरर टिंट कराने के लिए पूरा खोलना पड़ता है। भैया अभी मेजरमेंट ले रहे हैं बाहर से कांच की कि कितना कितना इसमें लगेगा, फिर उस हिसाब से कटिंग करेंगे, देन उसको अंदर से लगाएंगे। एक साइड की फ्रेम लगा के हो गई, अभी दूसरे साइड के लगा रहे हैं। भैया 20% है ना? ये 20% की फ्लेम है। भैया आपका नाम? अरविंद। भैया का नाम अरविंद है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो फ्लेम लग रही है उसमें और ओरिजिनल कांच में कितना फ़र्क है, ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ। देखिए वहाँ से ये थोड़ा टिंटेड दिख रहा है, यहाँ से पूरा वाइट दिख रहा है, इतना फ़र्क है दोनों में। और अब ये फ्लेम लगने के बाद देखो कितना डार्क हो जाएगा। ऐसे अभी अपन आगे में फ्लेम लगा रहे हैं, जो कि 50% ट्रांसपेरेंट है, और जो पीछे वाली है वो है 20%, और ये है 50%। 50-50 यानी कि पूरी आधी हो गई, आधी जितनी विजिबिलिटी होती है उसकी आधी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी इसमें, रात में भी बहुत अच्छी रहेगी। अपनी गाड़ी पे फ्लेम लग गई है गाइस, अब देख सकते हो। ज़्यादा तो मैंने जेड ब्लैक लिया नहीं है, फिर भी थोड़ा कम है, देखो ट्रांसपेरेंसी है इसमें भी, कैमरे में दिख रहा है और आंखों से इससे ज़्यादा दिख रही है, तो ठीक है इतना चल जाएगा मुझे,
क्योंकि मेरे को बस इतना इशू था कि नाइट में बस विजिबिलिटी अच्छी रहे, मतलब एकदम डार्क नहीं है। कैसे कैमरे में दिख रहा है बहुत डार्क है, लेकिन डार्क नहीं है ज़्यादा, इतना काफ़ी है, तो ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है पूरा। गाइज मैं एडू से निकल के अभी घर की तरफ आया हूँ, और अभी वो सुमित गया है शॉप में, और मैं अभी जस्ट घर पे पहुँच जाऊँगा। ब्लैक फ्लेम देखो, अभी यहाँ से आपको पता ही नहीं चलूँगा ब्लैक फ्लेम लगी है करके, और एक्चुअली ये जो फ्लेम है ये ओरिजिनल वाली फ्लेम है, तो अंदर से विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और बाहर से जो है वो कम रहती है, ऐसा है। अगर हम डुप्लीकेट वाली जो लगाते हैं, जो फेक वाली आती है, तो उसमें कैसे अंदर से भी जो विजिबिलिटी रहती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, वो जो बाहर से जो आ रहा है ना उस टाइप में यहाँ अंदर से बाहर दिखता है, मतलब वो कुछ काम की नहीं आएंगी ब्रो। अगर आप वैसे जेड ब्लैक ले लोगे ना, अगर डुप्लीकेट वाली, तो किसी काम की नहीं, पूरी ब्लैक है, फिर तो आपकी गाड़ी ठुकनी ठुकनी है। यहाँ अंदर से बिल्कुल विजिबिलिटी बहुत अच्छी, देखो आपको दिख ही रहा होगा ब्लैक की है, और मैं आपको बाहर से गाड़ी दिखाऊंगा अभी कितनी ब्लैक है। मैं अभी घर पहुँच गया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गई है। ये देखो बाहर से बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, ये जेड ब्लैक नहीं है, ये आगे की 50% है और साइड की 70% है, लेकिन बहुत अच्छी, मतलब ओरिजिनल वाली है इसलिए वो बहुत अच्छी दिख रही है।